हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस ओनली लिपस्टिक हॉल क्योंकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक लिपस्टिक जो मैंने अपने कज़न से चाइना से मंगवाई थी दिस लिपस्टिक ये ख़त्म हो चुकी है दी एंड दिस वन इज़ एप्सलूट माय फेवरेट लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरी कंट्री चाइना वाइना जा रहे हो तो डू बाय दिस वन लाइक like, इसका टेक्सचर वेक्चर सब कुछ ही काफ़ी ज़्यादा अलग है तो ये लिपस्टिक मेरी ख़त्म हो गई थी और ये शेड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है बट समहा इंडिया में अवेलेबल नहीं था तो मुझे ड्यूब ढूँढने के चक्कर में मैंने दो तीन लिपस्टिक्स ले लिया है और कुछ पुरानी भी है बस मुझे ये शेड मिलाने के लिए मैंने लिया है एंड एक और चीज़ अमेजोन समो सेल इज़ लाइफ टिल सेवेंथ ऑफ मे सो डोंट फॉर गेट टू शॉप क्योंकि आपको 50 टू 80 परसेंट का ऑफ मिलेगा ऑन 1500 प्लस ब्रांड्स एंड तीन लाख से भी ज़्यादा ब्रांड्स पे आपको डील्स मिलेंगी सो या डोंट फॉर टू शॉप एंड क्या बात आपको ये लिपस्टिक्स भी काफ़ी ऑफ पर मिल जाए सो so सबसे पहले मैं जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड आई थिंक आप लोगों ने इस लिपस्टिक को हर जगह देखा भी होगा मतलब इंस्टा इंस्टापेट से हर जगह दिस वन इज फ्रॉम रोम एंड जीरो वेलवेट टेंट एंड दिस इन अ ब्लरी इफेक्ट अगर आपको हल्का सा इस वाले शेड से थोड़ा सा डीपर टोन चाहिए तो यू कैन गो फॉर द शेड 15 एक और चीज़ बता दूँ दीज लिपस्टिक्स आर लाइक सॉफ्ट बटरी ब्लरी इफेक्ट है ये आपके लिप्स को ड्राई नहीं करते हैं डेट इज़ द बेस्ट थिंग लिटरली मैंने अभी दुनिया भर के लिपस्टिक्स वॉच किए हैं और फिर वो सारे लिपस्टिक सर्च करने के बाद मैंने ना दोबारा रोमन डी यही वाला लिपस्टिक लगाया इसका दूसरा शेड और दोनों को मिक्स करके लगाया सी बिल्कुल यस yes. तो ये बिल्कुल वो नहीं करता ड्राई आउट नहीं करता काफी नरिश रखता है इवन आपके लिप्स ड्राई भी हैं तो काफी उसको ना सूद करने में हेल्प करता है मतलब बाहर ऑफिस कॉलेज

वर्थ द प्राइज द पैकेजिंग एंड एवरी थिंग इज़ सो सुंदर लाइक ये आप ऐसे कैरी भी करोगे ना यू विल बी लाइक हाँ येस तो इतनी तारीफ करने के बाद मैंने इसमें एक और शेड लिया मैंने दो शेड लिया था इसमें एक है मेरा ज़ीरो सेक् डीप सोल और ये मैंने रिव्यू देखने के बाद लिया है अवर सिंग सम क्योंकि खरीदने से पहले ना मुझे शेड का एक बार वो देखना था कि कौन सा शेड लूँ जो मुझे चाहिए वो है कि नहीं तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग रिव्यू तो ये वाला जो डीप रेड कलर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बट लाइक ये तो मुझे चाहिए एंड कैन यू सी एयर मतलब कितना अनरियल डीप है मतलब एकदम वो क्या कहते हैं ब्लरी सा डीप रेड कलर और आ, मरून कलर आई कैन से बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ऐसा लग रहा है वो रोज़ पेटल्स नहीं होते वैसे लग रहे थे मेरे लिवस आई लाइक ओके I'm just ऐसे sold out on these lipstick. I'm like okay, these are the best I can suggest. ये मेरे top priorities में हैं. अभी मैं आगे आपको और भी lipstick दिखाऊंगी affordable range में. But these two are my top favorite. मतलब currently I'm obsessed with these two. मतलब ये मेरे lips को ना dry कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं. ये ऐसे ही set में lips हैं जैसे I'm like okay. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन मुझे ख़ुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी इस लिपस्टिक की तारीफ़ करने वाली हूँ आपके सामने दिस इज़ फ्रॉम ममा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टेल लिपस्टिक एंड एन आम शुक सीरियसली ये अच्छा है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है प्यारी सी मतलब नॉर्मल जैसे होती है प्लास्टिक पैकेजिंग लग रही है। है, है, ये ये जो लिपस्टिक सॉफ्ट काफी इसका स्मूथ टेक्सचर है बटरी सा है एंड इट हैज ब्लरी इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हल्का सा यू नो सॉफ्ट मैट है तो यू नो यू कैन सी लाइक कैसे बताओ कि हल्का सा सॉफ्ट लगेगा इतना ज्यादा ब्लरी इफेक्ट नहीं है जो मैंने आपको पहले के दो लिपस्टिक दिखाए उनमें एक बहुत ज्यादा ब्लरी इफेक्ट है बट ये हल्का सा आपको सॉफ्ट मैट है तो ब्लरी सा इफेक्ट देते हैं एंड आई लव दिस वन एंड द शेड एज़ जीरो वन मोका ब्राउन न्यूड मतलब परफेक्ट न्यूड लग रहा था ना आई वॉज लाइक ओके आई रियली लव दिस वन ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है ये इजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं बट अगर आपको ट्रांसफर प्रूफ बनाना है तो आप ये कर सकते हो कि सिमिलर आई शेडो ले सकते हो इस शेड का और इसके ऊपर पैटर्न कर सकते हो विद ब्रश या तो आप ये भी कर सकते हो ट्रांसलूसेंट पाउडर या कोई भी लूज पाउडर किसी भी तरीके का आपके पास पाउडर है मेकअप में तो आप उसको सिंपली लिपस्टिक पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो डेट विल ऑल्सो हेल्प इन मेक योर लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग एंड आई रियली लव दिस शेड दस टेक्सचर इज सो सॉफ्ट एंड इट्स लाइक कि मतलब अगर आपके अगेन लिप्स थोड़े ड्राई है तो इट रियली करना हेल्प लाइक मेरी स्किन और लिप्स टोटली ड्राई मतलब मेरी स्किन का अलग वेदर चल रहा होता है सहारा डेजर्ट में ही रहता है पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड आएगा तो तब लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई और अभी मैंने लिपस्टिक ट्राई किया था तो उफ़ सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन ये भी मम्मा और से है मैंने सबसे आई थिंक दो दो तो चीज़ें ऐसे रखी हुई है यस yes, नहीं सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज क्रीम मैटे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक विद मुरू

शेड इज सो प्रीटी दैट एक्चुअल इज सो नाइस दिस वन इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ ये भी ट्रांसफर हो जाता है बट अगैन आप बना सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के येस सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ अगर आप मतलब आपको ऐसे चाहिए मतलब बजट में चाहिए कुछ और एक मतलब एक चीज खरीदने पे आपका दो तीन लिपस्टिक शेड का काम चल जाए मतलब एक प्रोडक्ट लेने पे दो तीन लिपस्टिक का काम चल जाए तो आप ये ले सकते हो रने का लिप एंड चेक पेट इसको मैंने ब्लश की तरफ बहुत बहुत ज्यादा यूज कर दिया लाइक दिस वन इज़ माय फेवरेट ब्लश यू कैन सी कि मतलब ऐसे मैं पेन हिट कर चुकी हूँ और दूसरे वाले का भी मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया है यूज करना कुछ ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा प्यारा है मेरा सबसे फेवरेट शेड ये मिडल वाला है फिर द लास्ट वन और द टॉप वन फॉर द ब्लश ये हल्का सा जो कोरल इफेक्ट है जो ब्लश देख रहे हो ये कोर कोरल कोरल इफेक्ट वाला जो ऐसे ब्लश देख रहे हो ना मेरे पे एकदम सुंदर सा प्यारा था मैंने यही ब्लश आज यूज किया है एंड इट्स अगेन सो प्रिटी प्यारा था काफी अफोर्डेबल आई थिंक 500 में आपको तीन शेड मिलते हैं एंड तीनों ही काफी अच्छे हैं अगेन ट्रांसफर प्रूफ नहीं है हैल्प मी really मतलब इस वाला ये वाले जो शेड्स हैं ना न्यूड वाले यही मुझे पसंद है मैं घूम फिर के यहीं पे आती हूँ यही बेसिक कलर्स मैं लगाती हूँ मैं मतलब एज़ अ रेगुलर जो भी मुझे शूट करना हो या मैं बाहर भी जा रही हूँ तो आई यूज़ दिस ब्लश मतलब एवरी टाइम आई एम ऑफसाइड विद दिस मैंने ट्रिप पे भी हद से ज़्यादा इसको यूज़ किया मतलब मैंने यही कैरी किया, किया था तो या yeah, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था सो येस आई एम टोटलीस totally वन इसके सारे शेड अच्छे हैं लिप्स पर भी काफी प्यारा लग रहा है चिक्स पे भी लगा सकते हो ब्रश की हेल्प से लगाना चिक्स पे तो ज़्यादा अच्छे से ब्लश लगेगा सो इट्स सो अफोर्डेबल सो फ्रेंडली काफी क्यूट है कलर भी जो इसका टोन है काफी प्यारा है अगर आप एकदम नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हो तो उसके लिए भी परफेक्ट है एंड आई थिंक यहाँ पे जितने भी शेड है वो नो मेकअप मेकअप लुक के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं तो यस yes. <laughs> सो मूविंग टू द नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट ये दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ द फर्स्ट वन इज इतिहाद का ये कोरियन ब्रांड है और जो मैंने फर्स्ट दिखाया था रोम एंड का वो भी कोरियन ब्रांड है रोम एंड मैं सही प्रनाउंस कर रही हूँ ना एम एम नॉट श्योर रोम एंड हाँ वो भी कोरियन ब्रांड था सो दिस वाटर टेंट ओ माई गॉड आई लव दिस वन ये मैंने बहुत पहले लिया था एंड आई नैम ऑफसेस दिस ऑब्सेस्ड, ऑफसर्स विद दिस वन कुछ भी मेकअप नहीं कर रही हूँ फेस रख रही हूँ सनस्क्रीन लगाया सिर्फ मैंने तो मैं ये लगाती हूँ बाहर जाने के लिए ऐसे नॉर्मली बाहर जाने के लिए मार्केट वार्केट मम्मी के साथ तो यस आई लव 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 दिस वाटर टेंट. ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है येस आई वॉन्टेड द बेनिफिट वन बट वो बहुत ज़्यादा महंगा था सो आई वन फॉर दिस वन कोरियन ब्रांड है सो आई एम ऑफसेस विद कोरियन सीरीज कुरियन ब्रांड कोरियन आई एम सीरियसली ऑफस कोरियन फूड सब कुछ तो yeah. आई रियली लव दिस वन एक चीज है कि जैसे आप लगा रहे हो टेंट जैसे लिप्स पे भी लगा रहे हो या चिक्स पे भी लगा रहे हो तो ट्राई टू ब्लैंड इट लाइक जल्दी से वरना एस स्टेन करता है ये ये सारे टेंट के साथ है इशू एंड लिप्स पे लगाने के बाद ना मैंने थोड़ा टिश्यू पेपर से अब्जॉर्ब भी करवाया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लग गया था एंड एक और चीज़ इसको लगाने के साथ मेक श्योर sure कि आप ब्राउन पेंसिल लिप लाइनर है या लिपस्टिक है किसी के साथ भी आउटलाइन करना बट इसको पहले लगा के अब्जॉर्ब होने देना एंड देन अप्लाय लिप लाइनर या लिपस्टिक तो मैंने ये वाला लगाया था ये फॉर एवर फिफ्टी टू का ये भी शेड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है काफ़ी प्यारा शेड है इसका है कार्नेशन आर एस ओ नाइनटीन काफ़ी प्रिटीस शेड है तो या दीज आर माई टिप्स एंड दिज आर माई फेवरेट लिपस्टिक आई होप यू हैव रियली इंजॉय कमेंट में मैं पिन कर दूंगी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे एंड कुछ और भी क्वेश्चन है लिपस्टिक से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मीन अ कॉमेंट सेक्शन तो या yeah, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर बाय एंड आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो सकता है माइट बी कि रोमेंड अमेजोन पे ऑफिशियल है या नहीं है येस yes, रोमेंड आप जाके सर्च करोगे ना रोमेंड का ऑफिशियल पेज है अमेजोन पे जैसे लनज का है तो वहीं से मैंने मंगवाया सो दीज आर ऑथेंटिक सो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर बाय